अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सुकून के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एन्ना अपने आप को माफी नहीं कर पा रही थी, उसकी वजह से उसकी बहन के हाथ चिकनाचूर हो गए। वो बहन जिसने उसका बहुत ज्यादा साथ दिया, वो दिन रात रोएगी और इसी गिल्ट में रहेगी कि अगर वो अब घर से कदम ना निकालती तो आज उसकी बहन की शादी उस घटिया इंसान के साथ ना हो पाती। दूसरी तरफ एम्मा को भी यही लगेगा कि उसके साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार एन्ना है, अगर वो एन्ना का साथ ना देती तो उसके साथ इस तरह ना होता, उस्मान के साथ उसकी शादी ना होती और इस तरह उसे अपने ख्वाबों को दफनाना ना पड़ता। एम्मा अब एन्ना की शक्ल किसी सूरत भी नहीं देखना चाहेगी और उससे बात भी नहीं करेगी। जब एन्ना उसे कॉल करेगी तो वो उसकी कॉल तक नहीं सुनेगी और कहेगी कि वो उसकी जान छोड़ दे, मर गई उसकी बहन, दफना दिया उसने अपनी बहन को, ना ही वो अपने माँ बाप से कोई तल्लक रखेगी। दूसरी तरफ उस्मान उसे किसी सूरत भी ये नहीं भूलने देगा कि उसने उसके साथ क्या किया। अगर एन्ना घर से गई तो सिर्फ आयमा की वजह से, अगर वो उसे हिलाशेरी ना देती तो वो कभी भी घर से कदम बाहर ना निकालती। इस तरह हर दिन और हर वक्त उस्मान उसे ये ताना दिए बगैर नहीं रह पाएगा। आयमा की तो ऐसे हंसी ही छिन जाएगी, उस्मान उसकी जिंदगी जहन्नम कर देगा और आयमा किसी से भी कोई शिकवा नहीं करेगी, वो किसी सूरत भी अपने माँ बाप को नहीं बताएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शानजीत का बाप हमदान से बात करता है, उसकी और शानजीत की शादी थी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर वो उनको कैसे बताए कि उनकी शादी हो चुकी है, और अगर शानजीत को इस हकीकत का पता चलेगा तो वो किस तरह रिएक्ट करेगी। तो ये सुनकर हमदान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोच में गुम हो जाता है। जब शानजीत का बाप उससे पूछता है कि क्या वो शानजीत से शादी नहीं करना चाहता तो हमदान सोचने के लिए वक्त मांग लेता है। हमदान कभी भी शानजीत को दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए जब तक हो सकेगा वो इस हकीकत को छुपाएगा, लेकिन जल्द ही शानजीत को इस हकीकत का इलम हो जाएगा कि हमदान ने शादी कर ली है। सुकून ड्रामा दिन ब दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। फॉर लेटेस्ट अपडेट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल पाक ड्रामा अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें।